डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन के बारे में। इसमें आज हम पढ़ेंगे केमिकल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हैं केमिकल इवोल्यूशन। पृथ्वी की आद्य अवस्था यानी कि शुरुआती अवस्था उच्च तापयुक्त ज्वालामुखीय तूफान वाली आकाशीय बिजली अपचाई वायुमंडल युक्त थी। आरंभिक पृथ्वी पर उन सभी तत्वों के परमाणु कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि उपस्थित थे जो कि जीव द्रव्य के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इनमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन थी। अति उच्च ताप के कारण हाइड्रोजन परमाणुओं ने ऑक्सीजन से संयोग कर जल बनाया, जिससे वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन नहीं रही और वातावरण अपचायी हो गया। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से संयोग कर अमोनिया बनाई। इस प्रकार जल और अमोनिया संभवतः पृथ्वी पर बनने वाले प्रथम अकार्बनिक यौगिक थे। तो सबसे पहले अमोनिया बनी और जल बना, तो ये दोनों अकार्बनिक यौगिक जो हैं पृथ्वी पर बनने वाले सबसे पहले अकार्बनिक यौगिक थे। मीथेन प्रथम कार्बनिक यौगिक था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, जल वर्षा के रूप में गिरने लगा और इसने गहरे स्थानों को भरकर आद्य महासागरों का निर्माण किया। इस दौरान अणु निरंतर एक दूसरे के साथ क्रिया करते रहे तथा इन्होंने विभिन्न सरल और जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। अब आदि सागरों का जल वृहत अणुओं जटिल कार्बनिक यौगिकों का एक प्रचुर मिश्रण बन चुका था। एल्डेन ने इसे ओट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप कहा, क्योंकि सी वाटर में या मैरीन वाटर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड्स जो हैं उसमें इकट्ठे होने लगे। तो इस प्रकार से जो मैरीन वाटर था वो अब हॉट डाइल्यूट सूप के समान या प्रीबायोटिक सूप, जो कि नाम एल्डेन के द्वारा दिया गया था, उसके समान हो गया। इस प्रकार आदि सागरों के जल में जीवन की उत्पत्ति की संभावनाएं स्थापित हो चुकी थी, क्योंकि ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स जीव द्रव्य के मुख्य घटक बनाते हैं। यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, मॉलिक्यूलर स्टेजेज 4.5 बिलियन ईयर एगो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम एंड आर्गन, जो कि सारे के सारे फ्री स्टेज में या मॉलिक्यूलर स्टेज में थे। फिर एटॉमिक स्टेज में आए, जल बना, अमोनिया बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स आदि बने। फिर सिंपल कार्बनिक कंपाउंड्स बने, जैसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स, पेंटोस, हेक्सोस, एमिनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। फिर कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड्स बने, प्रोटीन्स जो कि नॉन स्ट्रक्चरल्स एंड नॉन एंजाइमेटिक थे शुरुआत में, और पॉलीसेकेराइड्स, फैटी एसिड्स, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम रेप्लिकेबल, न्यूक्लिक एसिड्स जो थे नॉन रेप्लिकेबल थे, जो कि अपने समान अणुओं की संरचना करने में सक्षम नहीं थे। लाइटनिंग के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स और सिंपल कार्बनिक कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड्स थे, ये यहाँ पर बारिश के कारण और रेडिएशन के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण ये पृथ्वी की सतह में इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या बायोजेनी, प्रोटोबायोन्ट्स का निर्माण या ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। लार्ज कार्बनिक कंपाउंड्स जो कि आदि सागर में ए बायोजेनेसिस के द्वारा बने थे, एक दूसरे के समीप आने लगे, जिससे बड़ी कोलाइडल ड्रॉपलेट्स
के समान संरचनाओं का फॉर्मेशन हुआ जिनको प्रोटोबायोंट्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स आदि के झुंड थे। ये प्रोटोबायोंट्स रिप्रोडक्शन करने में असक्षम थे लेकिन अपने वातावरण में से अणुओं का अवशोषण कर वृद्धि कर सकते थे तथा इनमें सरल उपापचयी क्रियाएं भी हो सकती थी। प्रोटोबायोंट को कुछ वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से भी संश्लेषित किया गया। उदाहरण के लिए ऑपेरिन ने लिपिड की झिल्ली रहित कुछ प्रोटोबायोंट्स का फॉर्मेशन किया। डिमर ने इनको वेसिकल्स नाम दिया था और ऑपेरिन ने लिपिड की झिल्ली रहित कुछ प्रोटोबायोंट्स का निर्माण किया और इनको कोएजरवेट्स या सारांशियन नाम दिया। इसी प्रकार से सिडनी फॉक्स ने लिपिड के आवरण युक्त कुछ सूक्ष्मदर्शीय प्रोटीनॉइड संरचनाएं संश्लेषित की और उन्हें माइक्रोस्पियर्स नाम दिया। प्रोटोसेल और ईयोबायोंट्स का ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल्स ऑब्लिक ईयोबायोंट्स। न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन के कारण उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता विकसित हुई। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ने संयुक्त होकर के न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन किया और न्यूक्लियो प्रोटीन जीवन का प्रथम संकेत थे, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स थे। न्यूक्लियो प्रोटीन्स के झुंड के चारों ओर लिपिड का आवरण बन जाने से जीवन के प्रथम रूप फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ प्रोटोसेल का फॉर्मेशन हुआ। जीवन के ये प्रथम अकोशिकीय रूप लगभग 3 बिलियन ईयर्स एगो उत्पन्न हुए होंगे। ये भीमकाय अणु यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स आरएनए प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स आदि के रहे होंगे तथा इन्हीं कैप्सूल ने स्वयं अपने अणुओं को पैदा किया होगा। अल्टमैन ने 1980 में खोज की कि कुछ आरएनए अणुओं में एंजाइमी सक्रियता पाई जाती है जिन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन की उत्पत्ति के समय आरएनए अणु जीवन के सभी आवश्यक प्रक्रमों यानी रेप्लिकेशन प्रोटीन सिंथेसिस आदि को बिना किसी प्रोटीन अथवा डीएनए की सहायता के स्वयं ही संपन्न कर सकता था। अतः इस संकल्पना को आरएनए संसार या आरएनए वर्ल्ड कहा गया। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। म्यूटेशन के कारण प्रोटोसेल अधिक जटिल कॉम्प्लेक्स होते गए और वातावरण में उपलब्ध पदार्थों का उपयोग करने में अधिक दक्ष हो गए। इन्होंने अपने आप को प्रोकैरियोट सेल्स के रूप में विकसित कर लिया और जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप 2000 मिलियन ईयर एगो तक उत्पन्न नहीं हुआ होगा। प्रथम जीव एक कोशिकीय जीवाणु सदर्श नेकेड डीएनए युक्त प्रोकैरियोट्स थे। ये संभवतया कीमो हेटरोट्रॉप्स तथा एनएरोबिक थे। कुछ कीमो हेटरोट्रॉप्स जो हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स में विकसित हो गए। ये अवायवीय थे, एनएरोबिक थे तथा इन्होंने अकार्बनिक पदार्थों से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन किया। पोषण की इस विधि को कीमोसिंथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया एट्सेट्रा। जब कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल विकसित हुआ तो इन्होंने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और पोषण की इस विधि को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इन्होंने हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में वाटर के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग किया। अतः ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। फॉर एग्जांपल प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया। जीवाणुवीय पर्णहरित में कुछ आणविक परिवर्तन होने से यह ट्रू क्लोरोफिल में रूपांतरित हो गया। ऐसे जीवन ने हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में जल का प्रयोग किया और वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त की। ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। फॉर एग्जांपल साइनो बैक्टीरिया। ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन विमुक्त करना पृथ्वी के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसके कई बड़े परिवर्तन सम्मिलित हैं, जैसे पृथ्वी का वातावरण जो रिड्यूसिंग था उससे ऑक्सीडाइजिंग हो गया। इसके कारण और आगे केमिकल इवोल्यूशन की संभावनाएं समाप्त हो गई क्योंकि
केमिकल इवोल्यूशन सदैव अपचयी वातावरण में ही होता है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में ही होता है। स्वतंत्र ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल के रूप में ऑक्सीकृत कर दिया। मुक्त ऑक्सीजन के एकत्रित हो जाने से वायुमंडल के ऊपर ओजोन परत का निर्माण हो गया, जिसने सूर्य के प्रकाश की अधिकांश पराबैंगनी किरणों का अवशोषण प्रारंभ कर दिया। कुछ प्रोकैरियोट्स ने सेवों की वायवीय श्वसन के लिए अनुकूलित कर लिया, जिससे अवायवीय श्वसन की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य कोशिकांग विकसित हुए, सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप हुए और सेल मेटाबॉलिक रूप से अधिक एक्टिव हो गई। आदि सागर में वे स्वतंत्र जीवी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणी लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो उत्पन्न हुए। एविडेंसेज इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। यह एक्सपेरिमेंट जो है इम्पोर्टेंट है, मिलर्स एक्सपेरिमेंट, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी इस चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन को एक एक नंबर का एक या दो क्वेश्चन आता है कभी कभार। जनरली इसमें से मिलर्स एक्सपेरिमेंट के बारे में एग्जाम में बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। तो यह प्रयोग हेरल्ड यूरे और स्टैनले मिलर का प्रयोग है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक एस एल मिलर ने 1953 में प्रयोगशाला स्तर पर ठीक वैसी ही परिस्थितियां पैदा की जैसी आद्य पृथ्वी पर अनुमानित की गई थी। उन्होंने मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन इनको 2:1:2 के रेशियो में 800 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर के साथ एक बड़े फ्लास्क में लिया। एनर्जी सोर्स के रूप में उन्होंने 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हुए इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न की। इन्होंने ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक अम्ल जैसे सिंपल एमिनो एसिड्स का बनना प्रेक्षित किया। इसी प्रकार के प्रयोगों में अन्य वैज्ञानिकों ने शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स और लिपिड्स आदि का निर्माण प्रेक्षित किया। तो यहाँ पर यह आरेखीय निरूपण इसका दिया गया है। इसमें बताया गया है यहाँ पर नीचे पानी गर्म हो रहा है और ये पानी ऊपर जाते हुए यहाँ पर जल वाष्प के रूप में इस बड़े फ्लास्क में, जिसमें कि अमोनिया, मीथेन, वाटर एंड वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन इसमें लिए गए हैं, और यहाँ पर जल वाष्प आती है और यहाँ पर आने के कारण यहाँ सिंपल टाइप के एमिनो एसिड्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट है एविडेंसेस फ्रॉम मीटियोराइट्स। उल्काओं की अंतर वस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसी ही प्रक्रियाएं अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर भी घटित हो रही है। तो इस प्रकार से सबसे पहले पृथ्वी पर बिल्कुल ही जीव रहित क्षेत्र था, फिर धीरे धीरे वहाँ पर समुद्र बनने शुरू हुए, फिर समुद्र में अकार्बनिक यौगिक बनने शुरू हुए, फिर कार्बनिक यौगिक बनना शुरू हुए, फिर कार्बनिक यौगिक जो है वो जटिल, पहले सरल यौगिक बने, फिर जटिल कार्बनिक यौगिक बने। जटिल कार्बनिक यौगिकों में सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर आ गई, फिर उससे प्रोकैरियोट सेल का फॉर्मेशन हुआ। प्रोकैरियोट सेल जो है यह शुरुआती अवस्था में एनएरोबिक प्रकार की थी, धीरे धीरे इनमें जो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बने, फिर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बने। तो इस प्रकार से पृथ्वी का वातावरण जो कि पहले रिड्यूसिंग था उससे ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो इस चैप्टर में यह बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवों का जो इवोल्यूशन है वो क्रमिक रूप से हुआ है, एकांतर क्रम में हुआ है, सरलतम जीवों से जटिल जीवों का निर्माण हुआ है। थैंक यू।